हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसपी के बारे में, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। आपको बताएंगे आप लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो होती है नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप होती है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, और वो ये कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वीडियो यूपी स्कॉलरशिप की, जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से फिल करना है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से फिल करना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी के बारे में, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको स्कीम सही से चेक कर लेनी है कि यानी कि आप किस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करिएगा, यानी कि कॉलेज वालों से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको किस स्कीम में फॉर्म को अप्लाई करना है। मैं आपको एक फॉर्म डेमो फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपना जो फॉर्म है अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। मगर यहां पे मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पे स्किप कर देते हैं तो इसमें आप ही का लॉस होने वाला है। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। प्लस आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग न्यू अपडेट्स के नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं, एनएसपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। प्लस आप लोग यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में एक और ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग अपना जो फॉर्म है एनएसपी का वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि एनएसपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग 3 से 4 लिंक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस आप लोग यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट के आगे जो क्लिक किया लिखा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि अब आप आ चुके हैं एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं फॉर एकेडमिक ईयर सेशन 2022-23, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 से 6 ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है एप्लीकेंट कॉर्नर पर, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट वाले सेक्शन पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ्रेश रिन्यूअल, प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस और स्कीम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज अगर आपका फॉर्म रिन्यूअल है तो आपको रिन्यूअल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर हम सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी, यानी कि आप लोग रिन्यूअल फॉर्म भी ईजिली फिल कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, जिससे उनके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी गलती हो जाती है और बाद में उनका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्लस आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब स्टेटस आएगा, जब पेमेंट सेक्शन होगा, जब टोकन मिलेगा, तब भी मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फॉर एकेडमिक ईयर सेशन 2022-23, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे रखा है आपको। एज डायरेक्टेड बाय MOS, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्कॉलरशिप स्कीम ऑन देयर स्टेट पोर्टल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस आप लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं, क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन NSP फॉर AY 2022-23, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, यानी कि अगर यहाँ पे आप गलती कर देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत
हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपली सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। मगर उससे पहले जो ये टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर दे रखी हैं, ये आपको सही से रीड कर लेनी है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, स्टेट ऑफ डोमिसाइल हो गया, स्कॉलरशिप कैटेगरी हो गई, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, प्लस लॉगिन करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है फॉर्म फिल के रिगार्डिंग, चाहे वो फ्रेश कैटेगरी का हो या फिर रिन्यूअल कैटेगरी का, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है। यहां से अब आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे मैं आपको सभी ऑप्शनों बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या चीज़ फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जो आपका डोमिसाइल वो किस स्टेट का है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा यूपी का है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो स्कॉलरशिप कैटेगरी है वो क्या है, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास, MCM। यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है वो है प्री मैट्रिक का, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्र का नाम क्या है जिनका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको नेम वाली डिटेल्स फिल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है अगर मैं कोई भी प्राइवेट डिटेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ फिल करनी है, मगर यहाँ पे मैं आपको नेम नहीं दिखा सकता डाल के, जैसे कि प्राइवेट डिटेल हो गई, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर और फोटो वगैरह, ठीक है। मगर मैं आपको सभी ऑप्शन में बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ फिल करनी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से आप लोग फ्रेश फॉर्म या फिर रिन्यूअल फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नेम डाल देना है, जो भी छात्र का नाम है। इसके बाद आपको स्कीम टाइप में अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है, आप इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या है, जो भी आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको डाल देनी है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका जेंडर क्या है, जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल, जो भी आप हैं, आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप में ये रूल है कि जो भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे फिल ही नहीं होगा, वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वही नंबर डालें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो डाल दिया आप लोग यहाँ पे, और जिन ऑप्शन पर रेड कलर का डॉट बना हुआ है वो ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद बैंक का IFSC कोड डालना है, जो भी आपका IFSC कोड है वो आपको डाल दी, यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं डालना, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। IFSC कोड कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा बैंक की पासबुक पर से, जो भी आपकी बैंक की पासबुक है आप सिंपली उस पर चेक करिए, वहाँ पे आपको IFSC कोड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ उन छात्रों के लिए जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोग अपना पुराना IFSC कोड मत डाल दिएगा जो आपकी 2 या 3 साल पुरानी पासबुक हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पिछले साल से यानी 2 साल से कुछ बैंक्स जो हैं मर्ज हुए हैं, जैसे कि यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक, तो उनका जो IFSC कोड है वो चेंज हो चुका है। जो आंध्रा बैंक का पहले था ANDB करके, वो अब नहीं रहा, अब वो UBIN यूनियन बैंक से मर्ज हो चुका, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको 2 बार अपना बैंक का IFSC कोड डालना है, इसके बाद आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है 2 बार, यानी कि जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल, पहचान का विवरण, यहाँ पे आप किसी भी तरह से अपना पहचान का विवरण दे सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर आधार कार्ड की एनरोलमेंट आईडी हो या फिर बैंक अकाउंट, इन केस अगर आपके पास आधार और EID नहीं है, ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड को एनरोल रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। और इसके बाद आपको ये कैप्चर कोड डाल के, यहाँ पे अभी कैप्चर कोड रिफ्रेश नहीं हुआ तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं और ये कैप्चर कोड रिफ्रेश हो गया है, ये कैप्चर कोड आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP जाएगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको OTP वेरीफिकेशन किस तरह से करना है।
सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थे, यानी कि जो मेरा आधार कार्ड का फोटो था वो अपलोड कर दिया है, प्लस मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आ चुका है ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारी एक एप्लीकेशन आईडी भी आ रही है जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉपी नहीं हो रही। अब आपको करना क्या है, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर आप इसे कहीं पर नोट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस आईडी को एक जगह नोट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि मुझे आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर काइंडली नोट इफ डाउन योर फीचर रेफरेंस दिस विल सर्वर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेंड एट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस पर मेरा जो पासवर्ड है वो आ चुका है। अब मैं उस पासवर्ड और इस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर। अगर आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा वहां पर क्लिक करके भी आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। अब यहां पर मैं ये एप्लीकेशन आईडी और अपना पासवर्ड जो मेरे पास आया है वो डालकर यहां पर लॉगिन करता हूं, क्योंकि अब मुझको एक न्यू पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो मैं जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है उसके थ्रू मैं अभी लॉगिन करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको न्यू पासवर्ड किस तरह से बनाना है। सो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड और ये कैप्चर कोड यहाँ पे डालकर फिल कर दिया है। अब ये जो मुझे डिटेल्स थी ये मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई थी जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था। अब यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से कहेगा OTP हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपको OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका है। अब वो OTP आपको यहाँ पे कन्फर्म OTP पर डालकर कन्फर्म OTP पर क्लिक कर देना। तो ये OTP मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मेरा OTP क्या है, SS50S, ठीक है। SS50S, ठीक है। यहां पर ये मैंने जो OTP है वो डाला और यहाँ पे हम कंफर्म OTP पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही कंफर्म OTP पर आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब पासवर्ड किस तरह से बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स पासवर्ड नहीं बना पाते। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे 8 वर्ड्स होने चाहिए टोटल। तो मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना है। ये सिर्फ एक डेमो पासवर्ड है, आपको अपना पासवर्ड अलग बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे आपका नाम है मोहित कुमार तो आपको यहाँ पे सिंपली KUMAR कुमार डाल देना है। मैंने यहाँ पे कुमार का K कैपिटल लिया है और बाकी सब स्मॉल वर्ड लिए हैं। उसके बाद आपको @#, कुछ भी लगा सकते हैं या फिर आप ये सभी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे 12345 डाल देना। तो ये इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, Kumar@12345, ठीक है। जो भी आपका नेम है उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड बना लिए, या फिर जो भी आप अपना पर्सनल पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कुछ इस तरह से पासवर्ड बनाना है जिसमें आपके वर्ड्स भी हों, डिजिट्स भी हों, स्पेशल एक वर्ड भी होना चाहिए लाइक @#$, प्लस यहाँ पे कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहां पे मैं पासवर्ड बनाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको आगे के स्टेप्स किस तरह से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेन फॉर्म अब लॉगिन मेन फॉर्म जो है वो अब स्टार्ट होगा। अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, अब आप अपने फॉर्म की जो एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, ठीक है। सो गाइस यहां पर मैंने पासवर्ड बना के लॉगिन कर लिया है। अब यहां पर देखिए आ चुकी है, आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है होम एप्लीकेशन फॉर्म, @Aadhaar Number, @EID, चेक योर स्टेटस, प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड और विदड्रॉ एप्लीकेशन। यहां से आप एप्लीकेशन को विदड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी गलती हो गई। अब यहां पर मैं सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपको सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको सही से देख लेनी है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको रिलीजन में जाना है, जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। मेरा मुस्लिम है तो यहां पे मैंने सिंपली मुस्लिम पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहां पे मोस्टली सभी ऑप्शंस जो हैं आपके वो फिल हुए हैं, कुछ ही ऑप्शंस आपको यहां पे फिल करने हैं ऊपर वाले कॉलम में, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी है, OBC है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फादर नेम डालना है, आपको अपनी मदर का नेम डालना है और आपकी अपनी टोटल फैमिली इनकम डाल देनी है, जो भी आपकी टोटल फैमिली इनकम है एनुअली, ठीक है। यानी कि अगर आपकी महीने की 8,000 रुपये इनकम है तो आपको यहाँ पे 96,000 डाल देनी है। अगर आपकी 10,000 रुपये इनकम है तो आपको 1,20,000 डालनी है। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट पर है वो आपको डालना है। और उसके बाद अगर आप हॉस्टलर हैं तो हॉस्टलर, अदरवाइज़ आपको डेस्कॉलर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है एकेडमिक डिटेल्स, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूज़ योर ऑप्शन पे आगे सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, जो भी आपका स्कूल है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको सिंपली सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है।
इंस्टीट्यूट का आपका स्टेट क्या है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और डिस्ट्रिक्ट आपको लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस आप लोग यहाँ पे कोड के फॉर्मेट में भी लिस्ट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर जो मेरा स्कूल है वो आ चुका है। यहाँ पर जो मैंने अपना स्कूल सर्च किया है वो किया है DISE कोड फॉर्मेट के थ्रू। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे DISE कोड डाल दिया, तो यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसे सेलेक्ट करा, और यहाँ पर जो हमारा स्कूल का नेम है वो आ चुका है, इकरा पब्लिक स्कूल दोहर्रा माफी अलीगढ़, ठीक है, न्यू इकरा कॉलोनी दोहर्रा। इसके बाद आपसे पूछेगा एडमिशन, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है, जो भी आपका पंजीकरण संख्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आप रजिस्टर्ड जिस ईयर में आप हुए हैं, ठीक है, जिस ईयर के अकॉर्डिंग आप हुए हैं वो आपको यहाँ पे संख्या डाल देनी है, ये आपके एडमिशन कार्ड पर अवेलेबल होगी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है एडमिशन ईयर, आपका एडमिशन ईयर कौन सा है, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, 2022, 2021, जो भी आपका ईयर है वो आपको डालना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और ये सारी डिटेल्स जो एक बार अपने कॉलेज में आप पूछ लीजिएगा अगर आपको ना पता हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अनुमान मत लगाइएगा कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सैंपल फिल करके दिखा रहा हूँ, एक डेमो वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इस बात का आपको रखना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है, फर्स्ट, सिक्स, एट्थ, नाइन्थ, जो भी आपकी क्लास है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे मैं नाइन्थ क्लास में हूँ, तो यहाँ पे हमने सिंपली नाइन्थ क्लास सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर, आप किस ईयर में पास हुए थे, जिस ईयर में आप पास हुए थे वो आपको डाल देना है, यानी कि अगर आपका एक आध साल का गैप हुआ है तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने पिछले साल किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था और खाली आपका साल गया था, तो आपको उसके गैप के अकॉर्डिंग डालना है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद पूछेगा पिछले क्लास में आपकी परसेंटेज कितनी थी, जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आपको डाल देनी है, यहाँ पर हमारी 74% थी। इसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आपने कोई किया है तो आपको उस पर येस कर देना है, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक कर देना है, जैसे कि ये DLED वगैरह के छात्रों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे हमने इसे खाली छोड़ दिया है। और अगर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये उन छात्रों की हम बात कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन में फॉर्म फिल कर रहे हैं, बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर एमटेक वगैरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स देनी होंगी, और जब आप ये पहला ऑप्शन फिल करेंगे तो आगे के ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल करने आपको पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अदर डिटेल्स आती हैं, यानी कि आपकी कुछ अलग डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी जो इस साल की क्लासेस थी वो किस डेट में स्टार्ट हुई थी वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे जो हमारी इस साल की क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 10 अप्रैल से हुई थी, तो यहाँ पे हमने सिंपली 10 अप्रैल डाल दिया है, ठीक है। जो भी आपका क्लास स्टार्ट होने का समय था, जो भी डेट थी, वो आपको चेक कर लेनी है, और आपको ध्यान देना है कि आपका कोई ऑप्शन खाली तो नहीं रह गया। जिन पर स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी है फिल करना, ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मगर आप सभी ऑप्शन फिल करिएगा, जिस जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं वो सारे ऑप्शन आपको फिल करना है। अगर आप यहाँ पर ऑर्फन है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ आपको नो पर क्लिक कर देना है। गार्जियन नेम आपके अगर कोई हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपके गार्जियन नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर फिजिकली डिसेबल है तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करा है येस, तो आपको पूछेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे नो करा, तो ये जो है यहाँ पे कुछ भी मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप मैरिड हैं तो आपको सिंपली मैरिड पर क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई बड़े जो हैं, मतलब कोई एजिड बंदा का कोई फॉर्म फिल कर रहा है बीएड वगैरह का, मास्टर का या पीएचडी का, तो आपको यहाँ पे उस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अनमैरिड पर क्लिक कर देना है। पेरेंट्स का आपका प्रोफेशन रखना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचर हैं, XRPF हैं या फिर फ्लेयर्स हैं, जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा अगर आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के एक नए ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स देनी होंगी। ये डिटेल्स आपके, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले में है वो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मेरा अलीगढ़ है। इसके बाद आपका रूरल एरिया है, ग्रामीण है या शहरी है, जो भी आपका है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी आपकी लोकेलिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मेरा अर्बन है तो यहाँ पर मैंने अर्बन डाल दिया है। इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर डालना है और यहाँ पे पिन कोड डालना है, तो ये डिटेल्स मैं फिल नहीं करने का क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है।
सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दी, जैसा कि मेरा घर का एड्रेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया। मगर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर योर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन देर इज़ नो स्कीम अवेलेबल, यानी कि जिस स्कीम में मैंने अप्लाई किया उसमें कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब आप अपना एक रियल फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपकी जो स्कीम है वो शो होगी। यहाँ पर मेरा एक सिर्फ डेमो फॉर्म था, मैंने रैंडमली स्कीम सेलेक्ट करी थी जिसकी वजह से यहाँ पे स्कीम अवेलेबल नहीं हो रही। मगर फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा कि वो आपको किस स्कीम में अप्लाई करवा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन ₹50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। यानी कि स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन, जिनका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से कम आने वाला है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा आने वाला है तो आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जिनका क्राइटेरिया जो है आपका JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए और 200 KB से कम उनका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहां से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं और पासवर्ड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके सेव कर देता हूं क्योंकि इसमें अभी कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, ठीक है। और प्लस आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि वहाँ पे भी आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।